ठीक इसी जगह की फोटो देखो, ऊपर पोल भी मिल रहा है, ये बगल में घर भी मिल रहा है और नीचे की दीवारें भी मिल रही हैं। मस्त हो रहा है यार। मॉर्निंग गुड नहीं हुई क्या तुम्हारी? पिटाई पड़ गई सुबह सुबह? बेटे कल से तुम्हें जाना पड़ेगा, कल से कुछ भी है तुम्हें बैठे बैठे खाना नहीं मिलेगा, समझे? खुद कमाओ खुद खाओ। देखो लाली को हमने चराने के लिए भेज दिया, ठीक है? अब सवाल ये आता है कि ये इसको क्यों नहीं भेजते तुम, क्योंकि ये लमदोड़ा है। लमदोड़ा कैसे? अबे भाई बंदा ये, इसको अभी जैसे हम भेजेंगे ना तो ये 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद वापस आ जाएगा, यही घंटे बाद वापस आ जाएगा। और खेतों में मतलब जैसे लोगों ने चराने के लिए छोड़ रखे ना गाय, वहां पर उनसे लड़ाई करेगा। बहुत लड़ाईबाज गाय है ये देखो कैसे खा रहा है। सुन ले लमदोड़े, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। अरे आंखों में देख ले मेरी, इधर देख ले मारूंगा। तो ये देखो, ये इसको लमदोड़े बोलते क्योंकि लंबा, ये देखो इतना लंबाई। कल से इसको भी हम भेजेंगे चराने के लिए, कुछ भी हो जाए, चाहे वो कितनी मर्जी लड़ाई कर ले, इसको हम भेजेंगे चराने के लिए। बेटे कल से तुम्हें जाना पड़ेगा, कल से कुछ भी है तुम्हें बैठे बैठे खाना नहीं मिलेगा, समझे? खुद कमाओ खुद खाओ, यहाँ से बाहर निकल जाना हमारे घर से, समझे? कल से हम तुमको चराने छोड़ देंगे, जाना घास खा के वापस घर आ जाना। हम नहीं ला सकते इतनी बड़ी बड़ी फंचियाँ रोज रोज तुम्हारे लिए भर भर के, समझे? देखो ये लमदोड़ा, ये देखो अभी भी खत्म नहीं हो रहा, देखो देखो अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, 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 देखो देखो ट्रेन की तरह है, ट्रेन की जितना लंबाई, ये देखो, इसलिए इसको लमदोड़ा बोलता हूँ मैं। गुन्नो गुन्नो, गुड मॉर्निंग गुन्नो, गुड मॉर्निंग बोल बोल, गुड मॉर्निंग। फिर बोल गुड मॉर्निंग। इसके बाल जो है काटे गए, देखो ऐसे इस शेप में, ऐसे करके ऐसे 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 करके काटे हैं। और ये देखो ये जो, हाँ ये सेंधार की रोड जा रही, देखो उसकी। और ये जो है इस टब को रखा था इसके सर पे, उसके बाद काटे है ना अंशु? किसने काटे अंशु तुम्हारे बाल? कुदा झील है। अच्छा कटोर रख के काटा क्या? अरे जब ऐसा कोई काम करता हमें बुला लेगा, हम वीडियो बना लेंगे, व्लॉग बना लेंगे हम, कि कटोर रख के बाल काट रहे हैं, हैं? देखो ये लक्की मामा जी हैं, ये गन्नू है जिसने गुड मॉर्निंग नहीं बोला। मॉर्निंग गुड नहीं हुई क्या तुम्हारी? पिटाई पड़ गई सुबह सुबह? और ये इनका घर है, और ये इनका घर है। अंशु बड़े देखो, अभी हम घास काटने आए थे और बारिश शुरू हो चुकी है, बारिश हो चुकी है शुरू। हम काफ़ी नीचे आए हैं, काफ़ी नीचे आए हैं, वहाँ ऊपर भी हमें जाना वापस। छाता है मेरे हाथ में लेकिन अभी खोलूँगा, थोड़ा सा भीग लेंगे। और हम आए हैं अभी घास काटने के लिए, देखो ये हो रही बारिश पेड़ों के बीच में फिलहाल हम, इसलिए ज़्यादा बारिश जो है हमें महसूस नहीं हो रही है। देखो बारिश हो रही है बहुत मस्त, ये देखो देखो, हम नीचे से आ चुके हैं ऐसे पैदल पैदल, और एक फंची ये रखी है, एक फंची ये रखी है। देखो भीग गई ना, तो घास में से देखो कैसे पानी निकल रहा है तर तर, ये देखो ये हमारी घास में से निकल रहा है। देखो देखो ये जो है ना, ये पानी की वजह से, घास गीली होने की वजह से ज़्यादा भारी होगी फंची, ठीक है? और इसमें से देखो कैसे तर तर पानी निकल रहा है, ये देखो पूरी घास गीली है ना, तो जो हम घास उठा के ला रहे हैं उसमें से देखो कैसे तर 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 पानी निकल रहा है ना। छाता तो हम ले गए थे लेकिन मेरा भीगने का मन था इसलिए मैं भीग गया, और जब तिरछी नज़रों से मुझे देखा जा रहा है, ठीक है देख लिया ना मुँह, तो क्योंकि मैंने छाते का इस्तेमाल नहीं करा, मैं पूरा भीग गया नहीं, ऊपर से नीचे तक जो है मैं भीग गया, इसीलिए इतनी अच्छी नज़रें मुझे देख रही हैं, मुझे घूर रही हैं। देखो गुस्सा कहाँ का कहाँ निकल रहा है। देखो ये वो छाता जो भीगा है लेकिन जिसने भीगने के बाद भी हमें बचाए नहीं है। देखो ये काज वाला जो अपनी भिंडी जो है छुपा रही है, अपना हाथ तो दिखा दो, ये देखो ये भिंडी है जो काजल जो है अभी अभी अपने खेत से तोड़ के लाई, बस फ्रेश, यहाँ पे इसका खेत है और यहाँ से ये जो है भिंडी देखो तोड़ के लाई है, देखो ऐसी भिंडी बस है ना, देखो कितनी अच्छी भिंडी है, लो डाल दिया यार बस, क्योंकि मेरी वीडियो बन चुकी है इसलिए धोल रहा हूँ, इसलिए फेंक रहा हूँ मैं, समझे? ये देखो
आज फिर से सफाई करते हुए हमको मिली बहुत सारी फोटोज जो हैं पुरानी मिली, जिससे बहुत सारी यादें जो हैं ताज़ा हो गई, जिसमें से हमने कुछ फोटोज छांटी हैं। तो जो फोटोज होती है ना वो टाइम ट्रैवलिंग का काम करती है, जो फोटोज होती है ना समय को रोक देती है। जैसे टाइम चल रहा है फट रोक दिया, और आप उसको 10 साल बाद 20 साल बाद 50 साल बाद भी देखो तो आप वापस उस समय में आ सकते हो कि ये वो समय था जब हम यहाँ पे खड़े थे, या वैसे 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 वैसे। तो कुछ फोटोज में दिखाता हूँ, देखो जो मैंने गिनी चुनी रखी हुई है। क्या खा रहे हैं? तो ये हम खा रहे हैं आड़ू। कच्चा है ये ना? ठीक हो रहा है, बेकार खा रहे हैं, मस्त हो रहा है यार। बेकार लग रहा है? मेरे से लगा। तो ये खा रहे हैं आड़ू, ये लगे हुए पेड़ में, उसने दिखाता ना ढेरों सारे आड़ू लगे हुए इसमें। फोटो दिखाता हूँ अपने मैं, देखो ये है फोटो, ठीक है। ये फोटो लगभग 25-30 साल पुराना फोटो होगा ये, ठीक है, जो खींचा गया था यहाँ पे। देखो दिख रहा ना, ये जगह भी है इसमें, ये वाली जगह भी है इसमें, और ये देखो ये खिड़की जो बनी हुई है ये भी है। अब पेंट हो गया इस पर, लेकिन जगह देखो ये यहाँ पे, ये देखो ये पोल है, पहले डंडा था यहाँ पे, तो ये है वो जगह। देखो सेम टू सेम ये जगह है ना, ये वाला फोटो, ये वाला फोटो है ठीक इस जगह का, ठीक इस जगह का फोटो है। देखो ये जो है ये बाद में बना है, ये तो अब बना है, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये फोटो देखो, दिख रहा सब कुछ सेम टू सेम। ये जो है देखो हमारा मकान उस समय भी वैसी था, ये इसका टुकड़ा है, ये छज्जा भी उस समय ऐसी था। ये वाला फोटो देखो, इसमें सबसे राइट पे जो है हेमंत मामू है, मेरे मामू का स्कूल वाले वीडियो में, और ये फोटो है ठीक इस जगह की। देखो लगभग ये वाली फोटो भी 18 से 20 साल की, जहाँ पे भी देखो गुन्नू खड़ी है, रिचु ठीक इसी जगह पे खड़ी है अपनी फोटो में, वाली फोटो में भी उसमें बाल झमड़ाए हैं, बाल खोल रखे उसमें, ठीक इसी जगह की फोटो है ये। तो ये है मेमोरीज जो कि फ्रेश हो जाती है। देखो अब देखो ये फोटो जो है मैंने ठीक उसी जगह पे सेट कर रखी, जिस जगह पर ये फोटो खींची गई थी। सबसे राइट में मेरी नानी है, सबसे लेफ्ट में रिचू है, उसके बगल में नाना जी हैं, और ठीक इसी जगह की फोटो। देखो ऊपर पोल भी मिल रहा है, ये बगल में घर भी मिल रहा है, और नीचे की दीवारें भी मिल रही हैं। देखो ऐसे खड़े हो रखे हैं बिल्कुल ठीक इसी जगह पे, ये देखो। तो ये दिखा रहा था मैं कि जो तस्वीरें होती है ना वो कितनी यूज़फुल होती है, वो कितने साल बाद भी वैसी की वैसी रहती है, वो हमको हमारी यादें जो हैं ताज़े करवा देती हैं। लेकिन हर बार तस्वीरें खींचना भी ठीक नहीं होता, कई बार क्या होता है कि तस्वीरें खींचने से बढ़िया जो है हम जिस जगह पर हैं, हम जिस मोमेंट में हैं, उसको जीना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब वहाँ पे खड़े हैं ना, तो ऐसा नहीं कि चलो फोटो खींचते फोटो खींचते फोटो खींचते फोटो खींचते फोटो खींचते, ऐसा नहीं। कई बार आप वहाँ पे खड़े हो जाओ और सिर्फ जिस जगह पे आप खड़े हो उसको देखो, उसको यहाँ कैद करो, उसको फोटो में मत कैद करो। अब देखो गुन्नू की मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो खींच दी, एक वीडियो ले ली, इसको मैं दिखाऊंगा 10 साल बाद 20 साल बाद 25 साल बाद 30 साल बाद, तो ये देखिए कि ओहो ये तो वही जगह है, अरे मैं ऐसी लग रही थी, मैंने चश्मा पहना था, ये वो वैसे वैसे 100 चीज़ें ये सोचेगी अपने में, है ना गुन्नू। ये देखो कैसे पोज मार रही है। देखो ये है मौसम, बारिश रुकने के बाद का मौसम, बादल ही बादल चमकते हुए बादल, और नीला आसमान, और गुन्नू, और देखो यहाँ पे चल रही है गुच्छी, और डंपी मास्टर भी आस्ते हो, डंपी मास्टर यो। मालिक कोई आया है? क्या कर रही है गुन्नू? सब्सक्राइब करें। मालिक ने जो बोला है वो कर देना, ठीक है, हमारे